बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है जो बहुत अहम है। इस्लामियात के एमसीक्यूज़ हैं, ईटा, एनटीएस, एफटीएस, वाबडा, जितने भी बड़े इदारे हैं उसके लिए बहुत अहम अहम सवालात हैं। यानी अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ वाइफ फ्राम हजबेंड्स प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। यानी इस्लामी शरीयत की विरासत के हकूक में जो है एक बीवी की कितना शेयर है उसके शोहर से, यानी जायदाद में बच्चों की मौजूदगी में 1/8 यानी 1/8 हिस्सा, यानी 8 हिस्सों में एक हिस्सा किसका है, उसका एक बीवी का शेयर बनता है अपनी शोहर से। यानी विरासत के इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ द वाइफ फ्राम हस्बैंड प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। यानी बच्चे की मौजूदगी में एक बीवी का कितना हक है अपने शोहर में, यानी विरासत के इस्लामी विरासत के कवानीन के मुताबिक 1/8 यानी 1/8 हिस्सा है उसका। हाउ मेनी सजूद इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितने सजदे हैं, 14। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज डिग्निफाइड विद अ स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह, यानी किस पैगंबर को ख़ास लकब से मौजूम किया, किसको अता किया गया खलीलुल्लाह का लफ्ज़, ये खलीलुल्लाह का लकब किस पैगंबर को दिया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हु वाज़ द कमांडर ऑफ द इनफीडल इन द बैटल ऑफ बदर, ग़ज़वे बदर में काफरों का जो सरदार था वो कौन था, अबू जहल था। ये एमसीक्यूज़ बहुत अहम है। यानी ग़ज़वा बदर के मौके पर कुफार का जो कमांडर था यानी सरदार था वो कौन था, अबू जहल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरिया, सरिया का क्या मतलब है, अ बैटल नॉट अटेंड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी उस जंग को सरिया कहते हैं जिसमें आप सल्लम ने शिरकत नहीं की। हु वॉज द कमांडर ऑफ इनफीडल इन द बैटल ऑफ उहद, जंग उहद में काफरों का जो सरदार था वो कौन था, अबू सुफियान। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, मैंने पहले डिस्कस किया कि बदर में जो कुफार का सरदार था ग़ज़वे बदर में वो कौन था, अबू जहल था। इसके मुकाबले में जो है ग़ज़वे उहद में कुफार का जो सरदार है वो क्या है, अबू सुफियान। ग़ज़वे उहद वाज़ फट इन द ईयर 625 AD, ग़ज़वे उहद कब लड़ी गई, 625 AD में। हाउ मेनी इनफीडल वर किल्ड इन ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे बदर में कितने कुफार मारे गए, 70 यानी ग़ज़वे बदर में कितने कुफार मारे गए, 70। हाउ मेनी मुस्लिम मार्टियर्ड इन ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे बदर में मार्टियर्ड यानी ग़ज़वे बदर में कितने शहीद हुए, 14। टोटल नंबर ऑफ मुजाहिदीन इन आर्मी ऑफ ग़ज़वे बदर वर, यानी टोटल आर्मी कितना था ग़ज़वे बदर के मौके पर, 313। टोटल नंबर ऑफ मुजाहिदीन इन द आर्मी ऑफ ग़ज़वे बदर वर, यानी कितने लोग थे मुसलमानों की तादाद कितनी थी ग़ज़वे बदर के मौके पर, 313। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड ऑन द डे ऑफ आप सल्लम का इंतकाल, यानी आप सल्लम कब वफात पाए, मंडे को। किसको, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड ऑन द डे ऑफ मंडे, यानी मंडे के दिन। वर्का बिन ओफल वाज फॉलोअर ऑफ रिलीजन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वर्का बिन ओफल कौन था, वर्का बिन ओफल फॉलोअर ऑफ रिलीजन ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब का पैरोकार था। वर्का बिन ओफल कौन था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब का पैरोकार था। होली प्रॉफिट सल्लम डाइड, आप सल्लम का इंतकाल कब हुआ, जून 8, 632 AD को, यानी होली प्रॉफिट सल्लम आप सल्लम का इंतकाल कब हुआ, जून 8, 632 AD को। विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑफ द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गेंट द टाइटल ऑफ मदर, मदर ऑफ द पुअर, आप सल्लम की कौन सी बीवी ने ये लकब हासिल किया, यानी गरीबों का माँ किसको ये लकब दिया गया, हज़रत ज़ैन बिन खुज़ैमा।
Which of the following wives of the Holy Prophet ﷺ gained the title of Mother of the Poor? यानी किस को यह लकब आप सल्लम की कौन सी बीवी को यह लकब मिला, यानी गरीबों के का माँ जो लकब है ये किसको मिला? हज़रत ज़ैद बिन खुज़ैमा खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हु गिव द एरिया टू डिग ए डिच अराउंड द सिटी ऑफ मदीना, यानी खंदक कूदने का मशवरा किसने दिया? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। हु गिव How give the area to dig a ditch around the city of Medina? Hazrat Salman Farsi رضی اللہ تعالیٰ عنہ. How was the commander of infidel in the battle of ditch? خندق میں کمانڈر کون تھا, کفار کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان. Holy Prophet ﷺ delivered his farewell sermon at Arafat. आप सल्लम ने कब खुतबा दिया अराफात के मकाम पर? 10 जुलहज। कब दिया आप सल्लम ने अपना खुतबा? कब दिया अपना आखिरी खुतबा अराफात के मकाम पर? कब दिया? 10 जुलहज को। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज साइंड इन गज़वे, यानी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुदैबिया के मायदे पर कब दस्तखत हुआ? 6 हिजरी को। मक्का वॉज कंकर्ड इन 8 हिजरी, मक्का को कब फतह किया गया? 8 हिजरी में। अब्दुल्ला बिन उबै वॉज ए डैश हाइपोक्राइट, यानी अब्दुल्ला बिन उबै क्या था? मुनाफिक था। अब्दुल्ला बिन उबै वॉज ए डैश हाइपोक्राइट। द लार्जेस्ट आर्मी दैट एवर मार्च्ड आउट ऑफ मदीना वॉज कंसिस्ट ऑफ, यानी सबसे बड़ा फौज जो मदीना पर मार्च किया गया उसकी तादाद कितने थी? 30,000 मैन, यानी 30,000 लोग थे। द लार्जेस्ट आर्मी दैट यूर मार्च आउट ऑफ मदीना, जो मदीना से बाहर निकाला गया, वाज इन डेश गज़वे तबूक। लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ा आर्मी दैट यूर मार्च आउट ऑफ मदीना वाज इन डेश गज़वे तबूक। जजिया मीन्स डेश पुल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, यानी वो टैक्स जो गैर मुस्लिमों पर अदा की गई की जाती है उसको जजिया कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अल्फे, अल्फे से क्या मतलब है? लैंड कंकर्ड, यानी वो ज़मीन बाई द मुस्लिम विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामिक स्टेट, यानी अल्फे का क्या मतलब है? यानी वो ज़मीन जो मुसलमान जिसको फतह करते हैं, जो मुसलमानों के रियासत का हिस्सा बन जाते हैं या उसका जायदाद बन जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अल्फे, अल्फे लैंड कंकर्ड बाई मुस्लिम्स विच बिकम प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामिक स्टेट, यानी वो ज़मीन जो मुसलमान फतह उस पर हासिल करके इस्लामी रियासत का जायदाद बनाते हैं। द होली प्रॉफिट सलम वॉज पॉइजन्ड बाई ए ज्यूइश होस्टेस एट द टाइम ऑफ, यानी आप सलम को जहर दिया गया बाय ए ज्यूइश होस्टेस, ज्यूइश मेज़बान ने एट द टाइम ऑफ डेश कंक्वेस्ट ऑफ खैबर, खैबर के फतह के मौके पर। वीट सूरह ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द कुरान, की सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। हु वाज़ द फर्स्ट खुतबा, वही हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हु वाज़ द फर्स्ट किताब वही, सॉरी ये गलती हो गई, हु वाज़ द फर्स्ट किताब वही, हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड जिहाद अकबर बाई द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अगेंस्ट द विजिबल इनिमी आफ्टर द बैटल ऑफ यरमूक, विच वॉज वोन बाई द मुस्लिम खालिद बिन वलीद वॉज रिमूव्ड बाई कैलिफ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फॉर ही सुप्रीम कमांड, द न्यू सुप्रीम कमांडर वॉज डेश अबू उबैदा, अबू उबैदा यर आफ्टर द बैटल ऑफ यरमूक, यरमूक के बाद, विच वॉज वोन बाई मुस्लिम्स मुसलमानों ने जीता, खालिद बिन वलीद रिमूव्ड बाई, जो खालिद बिन वलीद को हटाया गया बाई कैलिफ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सुप्रीम कमांड से, द न्यू सुप्रीम कमांडर कौन था उसमें? अबू उबैदा, अबू उबैदा।
Who was called title as Saifullah? किसको टाइटल सैफुल्ला का दिया गया? हजरत खालिद बिन वलीद। इस वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।